दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शराब की दुकान आप कैसे खोल पाएंगे। दोस्तों, अगर आप महाराष्ट्र से हैं और आपको इस शराब की दुकान खोलनी है तो आप कैसे खोलेंगे, होलसेल बिजनेस कैसे करेंगे, सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो से देने वाली हूं। दोस्तों, कि इस बिजनेस के लिए आप दुकान कहाँ से खरीदेंगे, कौन से एरिया में खरीदेंगे, इस बिज़नेस के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, प्रॉफिट मार्जिन कितना रहेगा, ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो से देने वाली हूँ। दोस्तों, तो एंड तक मेरे वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि शराब की दुकान हम कैसे खोल सकते हैं। तो दोस्तों, दारू यानी शराब के बिज़नेस में बहुत फ़ायदे हैं। कहीं सारे लोग वाइन बेचते हैं, विस्की बेचते हैं, बियर बेचते हैं, जैसे कितनी सारी ब्रांड बेचकर महीने के 2 लाख से 7 लाख रुपए तक तो प्रॉफिट ही कमाते हैं। भारत में दारू का ठेका लेना व शराब की दुकान खोलना आसान नहीं है। शराब का बिजनेस करने के लिए आपको एक्साइज डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है, जिसके बाद ही आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। इस कारण इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। अगर आप भी दारू का ठेका लेना चाहते हैं या शराब की दुकान कैसे खोले इसके बारे में जानते हैं तो एंड तक मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। दोस्तों, फॉर एग्जांपल दोस्तों, आपने दमन तो देखा ही होगा जो महाराष्ट्र से आता है। दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों ने ले रखी है शॉप। तो दोस्तों, वो लोग क्या करते हैं कि उन लोगों के पास लाइसेंस होता ही होता है, इसीलिए उन लोगों को परमिशन मिलती है दारू बेचने की, वरना दारू बेचने की परमिशन किसी को नहीं होती है। दोस्तों, दारू का ठेका लेने के लिए आपको एक्साइज डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना होगा, जो कि 50,000 से 5 लाख रुपए तक का पड़ता है। दोस्तों, जिसमें आप रेस्टोरेंट बार लाइसेंस, होटल बार लाइसेंस, रिसोर्ट बार लाइसेंस, सिविलियन क्लब लाइसेंस जैसे लाइसेंस ले सकते हैं। दोस्तों, साथ ही आपको दारू का माल लेने से लेकर एक दुकान या बार खोलने में 4 से 8 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। दोस्तों, और दारू का ठेका लेने के लिए आप स्टेट की एक्साइज डिपार्टमेंट वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ आ जाएगा। दोस्तों, आप एक्साइज डिपार्टमेंट में जाकर ऑफलाइन भी दारू के ठेके के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारी प्रोसेस रहती है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रहता है और रिस्क भी रहता है, इसीलिए लोग ये बिज़नेस कम करते हैं। बट अभी ये बिज़नेस दमन में बहुत चलता है, क्योंकि दमन में नई नई जगह बनी है अभी, तो लोग वहाँ सबसे ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। तो वहाँ पर इस बिज़नेस बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि दारू तो सस्ती आती है, लेकिन वहाँ पर रेस्टोरेंट हो गया, बार हो गया, वहाँ पर सबसे महंगा बिकता है। दोस्तों, शराब की दुकान खोलने के लिए आप अगर आप किराए पे दुकान लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, जिसका खर्चा आपको 25,000 से 55,000 रुपये महीने आएगा। इसके साथ ही आपको वहाँ पर अन्य सिक्योरिटी की व्यवस्था भी करनी होगी। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि दारू के ठेके का लाइसेंस बनवाने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे। तो दोस्तों, ऑल टाइप ऑफ NOC चाहिए रहेंगे, फिर आपकी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट चाहिए रहेंगे, फिर आपका लीज एग्रीमेंट चाहिए रहेगा अगर आपने रेंट पर शॉप ली है तो, फिर ID प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो गया, फिर पैन कार्ड हो गया, फिर वोटर ID कार्ड हो गया, वो सारी आपको प्रूफ चाहिए रहेंगे, आपके ID प्रूफ। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में आपका राशन कार्ड हो गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये चाहिए रहेंगे, फिर आपका बैंक अकाउंट डिटेल भी चाहिए रहेगा, बिजनेस पैन कार्ड चाहिए रहेगा, आपका GST नंबर चाहिए रहेगा, आपका फ़ोटो चाहिए रहेगा, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी आपका चाहिए रहेगा। दोस्तों, इसके बाद हम जानेंगे कि शराब की दुकान आप कैसे खोल पाएंगे। तो दोस्तों, शराब की दुकान खोलने के लिए सबसे पहले आपको एक ठेके का लाइसेंस लेना होगा, जो कि आपको एक्साइज डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। इसके बाद आपको दुकान को खोलने के लिए नगर निगम या पालिका से गुमास्ता लाइसेंस लेना होगा। साथ ही आपको शराब की दुकान के लिए एक GST नंबर भी लेना होगा, जिसमें आपको कस्टमर से GST लेकर सरकार को भी भर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको अपनी शराब की दुकान के नाम पर ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करने और पैसे लेन देन के लिए एक करंट अकाउंट भी खुलवाना होगा। दोस्तों, ये तो सारे बिजनेस में कॉमन चीज़ है दोस्तों, जो आपको करनी ही रहेगी प्रोसेस।
दोस्तों साथ ही आपको अपनी दुकान को MSME में भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए और एक MSME सर्टिफिकेट भी लेना चाहिए कि आगे जाके आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों अब हम जानेंगे कि शराब की दुकान का लाइसेंस कैसे बनता है। तो दोस्तों शराब की दुकान का लाइसेंस बनवाने के लिए आपको एक्सरसाइज डिपार्टमेंट में आवेदन करना होता है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अल्कोहल शॉप, बार, रेस्टोरेंट, क्लब बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ठीक इसके साथ ही आप ऑफलाइन भी स्टेट के एक्सरसाइज डिपार्टमेंट में लिकर बिजनेस के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा लाइसेंस मिलने के बाद अपनी शराब की दुकान, बार, क्लब और रिसोर्ट में शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि दारू का जो लाइसेंस है वो कितने में बनता है, यानी कितनी अमाउंट में बनता है, कौन सी कैटेगरी का आता है। तो दोस्तों दारू का लाइसेंस FL3 जो कि होटल बार लाइसेंस के लिए होता है, जो 4 लाख से 20 लाख रुपये तक बनता है। दूसरा है FL2 जो रेस्टोरेंट बार लाइसेंस होता है और यह 1 से 12 लाख रुपए तक का बनता है। और जो तीसरा है वो है FL3A लाइसेंस जो कि रिसोर्ट बार लाइसेंस होता है, जो 50,000 से 3 लाख रुपए में बनता है। तो दोस्तों सबसे सस्ता जो लाइसेंस है वो FL3A ही है जो रिसोर्ट बार के लिए, सबसे महंगा है होटल बार के लिए। दोस्तों इसके अलावा FL4 लाइसेंस जो कि सिविलियन क्लब लाइसेंस होता है वो 2 से 4 लाख रुपये में बनता है। दोस्तों इसकी कीमत सभी राज्यों में अलग अलग होती है। सही लाइसेंस फीस जानने के लिए आप राज्य की एक्सरसाइज डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर फीस चेक कर सकते हैं। दोस्तों अभी तो वहां पे शायद चेंज भी हो गई होगी दोस्तों, तो अब वहां से आप चेक कर सकते हैं कि कितनी वो लोग लाइसेंस की फीस लेते हैं। दोस्तों शराब और वाइन बेचने का लाइसेंस जो कि RWS2 में होता है वह 50,000 रुपये से लेके 1 लाख तक में बनता है, जिसमें आप शराब और वाइन के रिटेल शॉप खोलते हैं तथा जिसमें सील बॉटल बेचते हैं। इस शॉप लाइसेंस के अलावा आपको नगर पालिका और नगर निगम में शॉप लाइसेंस जिसे गुमास्टर लाइसेंस भी कहा जाता है दोस्तों, जो कि 250 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक में मिलता है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।